तो गाइस यार, मैं सिंचन और चॉप, सॉरी चॉप तो बिल्कुल नहीं, मैं सिंचन और ट्रेवर भैया और माइकल भैया, हम तीनों चारों भाई सब आज बेस कैंप से भागे हैं, क्योंकि यार ज़ॉम्बीज बेस कैंप में घुस गए थे और हमारा चॉप वहीं रह गया यार। अरे यार, मेरे चॉप कहाँ है? गाइस यार, हम लोग चॉप को पता नहीं कहाँ छोड़ के आ गए। अरे फेंगी भाई, कहाँ होगा हमारा चॉप यार? पता नहीं यार, उसके टांग पे चोट लगी हुई थी और यार हमने उसको बोला था हमारे साथ चल, लेकिन उसने बोला नहीं आऊंगा और यार एकदम से बेस कैंप में घुस गए थे ज़ॉम्बीज। और गाइस, हम लोग को अपनी जान बचते बचाते हुए भागना पड़ा। ट्रेवर भैया देखते रहना, कोई आ जाए तो बताना। अरे हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ, कोई आएगा तो बता दूंगा, और खासकर ज़ॉम्बीज आएंगे तो मैं फटाक से बता दूंगा तुमको। अरे यार, मेरे चॉप कहाँ है? गाइस मेरे चॉप खो गया है यार। तू टेंशन मत ले सिंचन, मैं पक्का चॉप को ढूंढ लूंगा और उसको बचा भी लूंगा। गाइस एक मिनट, मेरा फोन बज रहा है। हेलो, हाँ सिलेस्टर, क्या हुआ? उड़ी बाबा, मैं और चॉप दोनों छुपे हुए हैं। चॉप मेरे पास भाग के आ गया और बताया कि सारे ज़ॉम्बीज फैल गए। गाइस यार, चॉप लेस्टर भैया के पास है। ओहो भाई, मतलब चॉप बचा हुआ है। अबे चॉप, तू ठीक तो है ना? अरे हाँ यार, जल्दी तो हम दोनों को बचा लो, यहाँ पे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं यार, प्लीज बचा लो। तू कहाँ पे है ये तो बता फटाक से। अरे हम लोग लेस्टर भैया के ऑफिस में, जहाँ पे हम लोग स्टीलिंग करते थे। जल्दी आओ, हम लोग को बचा लो यार, फोन में चार्ज नहीं है। ओहो गाइस यार, मुझे तो मजा आ गया, चॉप जिंदा है, मतलब चॉप बिल्कुल सेफ है। अबे सिंचन, सुना तूने कि चॉप बिल्कुल सेफ है और लेस्टर भैया के पास चला गया है? अरे झूठ मत बोलो गाइस यार, फेंगी भैया मेरे को यार बस दिलासा दे रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यार। अरे नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। गाइस यार, आप लोग कमेंट करके बता दो, अभी मैंने लेस्टर भैया से बात की थी और लेस्टर भैया ने सही बोला है कि नहीं? अरे यार सही में क्या? अरे वाह वाह, जल्दी चलो। अरे माइकल भैया सुनो। अरे हाँ, क्या हो गया, बोलना सिंचन। अरे चॉप हमारे सेफ है यार। अरे तो फिर चलते हैं, अबे फ्रैंकलिन जल्दी चलो यहाँ से। चलो ठीक है गाइस यार, मैंने अपनी गन निकाल ली है, अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। माइकल और ट्रेवर दोनों सुनो मेरी बात, मेरी हेल्प करना कोई ज़ॉम्बी आए तो, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, टेंशन मत लो। अबे सिंचन जल्दी बैठो। अरे यार मैं ये कह रहा था, वो दोनों है कहाँ पर? ट्रेवर भैया वो वहीं पे है, जहाँ पे आप खंबे पे चढ़ के छुपे हुए थे ना, वो उसी के बगल वाले घर में छुपे हुए हैं वो दोनों। चलो गाइस यार, उनको फटाक से बचाते और फटाफट गाड़ी में बैठ जाओ यार। अरे जल्दी बैठो यार। अरे फेंगी भाई क्या कर रहे हो, लेट मत करो। अरे यार मैं लेट नहीं कर रहा, एक मिनट, गाड़ी ना यहाँ पे फंसी हुई है और इसको बहुत दम से निकालना पड़ेगा। 1 2 3 स्टार्ट तो हो गई है गाइस। चलो आप दोनों बैठ गए हो? अरे हाँ हम लोग बैठ गए, जल्दी चलो। ड्राइवर तुम अच्छे से पकड़ के बैठना। अरे यार मैं तो बैठा हूँ, तुम लोग अपनी देख लो। ऑल राइट गाइस, अब यहाँ से निकलते हैं और मैंने पानी को पार कर लिया है। यहाँ से आराम आराम से निकलते हुए सीधे पहुंचते हैं लेस्टर भैया के पास। यार लेस्टर भैया बिल्कुल सेफ हो और अपने घर का दरवाजा बंद कर ले, वरना ज़ॉम्बीज यार अंदर घुस जाएंगे तो उनको काट लेंगे, और उनको काटने के बाद वो भी ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना हमारा चॉप और लेस्टर भैया दोनों के दोनों ज़ॉम्बी बन जाएंगे। अरे ऐसे मत बोलो यार। सो गाइस यार, यहाँ तो पटरी और हम लोग पटरी के रास्ते से जाएंगे। अरे अरे आराम से गाइस यार, पटरियों में पता नहीं क्यों ज़ॉम्बीज नहीं आते हैं, और बाकी तो अभी तक ज़ॉम्बीज पूरे लॉस एंजेलिस में फैल गए होंगे यार। वैसे गाइस यार, सिंचन ने ये बात तो सही बोली, पटरियों में ज़ॉम्बीज नहीं आते क्योंकि यहाँ पे कोई दिखता नहीं है, और दिखेगा नहीं तो खाएंगे किसको गाइस। अरे जल्दी चलो फेंगी भैया, लेट मत करो। चलो ठीक है गाइस यार, हम लोग बिल्कुल स्पीड में भगाते हुए अपनी गाड़ी को लेके आ गए। और गाइस यार यहाँ पे देखो कितने सारे ज़ॉम्बीज हैं, कहाँ से हमारे लेस्टर भैया और चॉप सेफ हो यार। लेस्टर भैया के पास तो बहुत दिमाग है पक्का, उन्होंने कोई ना कोई दिमाग तो लगाया होगा। हाँ हाँ सिंचन, ये टेंशन मत ले यार, लेस्टर भैया बिल्कुल सेफ होंगे। गाइस यार यहाँ पे देखो कितने सारे ज़ॉम्बीज हैं, और हमारी गाड़ी की आवाज सुन के ये लोग और हमारी तरफ आ रहे हैं। अबे यार सामने से हट जाओ, और देखो यहाँ पे नीचे भी इतने सारे ज़ॉम्बीज हैं। अरे यार दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। गाइस आप लोग फटाफट कमेंट में लिख दो कि सेव द लेस्टर, सेव द चॉप, ताकि वो दोनों सेफ हो यार। गाइस यार देखो कितने सारे ज़ॉम्बीज हैं। अरे सुनो सुनो फ्रैंकलिन, तू फटाफट उतरो और इन सबको मार दो यार अपनी बड़ी वाली बंदूक से। एक मिनट माइकल भैया, अबे भाई सब नीचे उतरा नहीं, मेरे पे हमला कर रहा है, नाक तोड़ दी तेरी, तुझे खा जाएंगे। आजा आजा, खाएगा तो इधर आना, तुझे बताता हूँ, आजा मेरी गोलियां खा जाओ फटाक से, आ जाओ। तो आ गाइस यार, अरे लेस्टर भी हम लोग आ गए हैं, जल्दी से गेट खोलो। गाइस यार यहाँ पे इतने सारे ज़ॉम्बीज हैं, जब भी सोचो लेस्टर भैया बाहर कीकर के क्यों नहीं भाग रहे थे। एक मिनट यार, पहले इन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे यार मैं ये कह रहा हूँ कि इनको जल्दी, अरे यहाँ तो गेट लगा, एक मिनट लॉक तो तोड़ दिया। गाइस इसी बात में वीडियो को लाइक कर दो। अरे फिंग भी ज़ॉम्बी आ रहे, मारो यार। अरे यार रुक जा, पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, और तुम सब पहले अंदर आ जाओ। अबे गेट क्यों खोल के आ गए, फटाक से बंद तो कर दो। अरे यार हैप्पी कर दो फेंगी भाई, मैं नहीं जाऊंगा यार, ज़ॉम्बी काट लेगा। अरे गाइस यार मेरे पास गन है तो मैं थोड़ा फायदा उठा लेता हूँ,
और इसको बंद कर देता हूँ और इसको लॉक कर दिया है गाइस मैंने। ऑल राइट गाइस, मैंने उसको लॉक कर दिया और बाहर देखो कितने सारे ज़ॉम्बीज हैं। और अबे लेस्टर भैया कहाँ पे है, यहाँ पे लाइट भी नहीं जल रही। लेस्टर भैया कहाँ गए? लेस्टर भैया, अरे यार बाबा तुम लोग आ गए। अरे थैंक यू यार तुम लोग आ गए। अबे चॉप तू ठीक तो है ना गाइस, यहाँ पे अंधेरा क्यों कर रखा है आपने? अरे यार क्या बताऊं बाबा, अगर कोई आ जाता ज़ॉम्बी हमें देख लेता तो काट लेता ना। ऑल राइट गाइस, मैंने यहाँ पे लाइट भी चालू कर दिया है। और लेस्टर भैया आप दोनों ठीक हो ना? अरे यार बिल्कुल सही हूँ, एक ज़ॉम्बी तो मेरे पास आ गया था, वो तो मैं बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था यार। ओ यार तू तो कुछ ज्यादा दिमाग निकला चॉप तेरे अंदर। गाइस अब हम लोग को बेस कैंप नया बनवाना पड़ेगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ अपना नया बेस कैंप अपने घर में बनवाए। एक काम करता हूँ लेस्टर भैया, हमारे घर में बेस कैंप बन सकता है कि नहीं बन सकता ये बता दो फटाक से। उड़ी बाबा बन जाएगा, टेंशन मतलब मैंने पहले सारी रिसर्च कर ली है बाबा। चलो ठीक है, एक काम करता हूँ कर्नल को फोन करता हूँ, कर्नल को बोलता हूँ सारा का सारा सामान मेरे घर में पहुँचवा दे। हेलो कर्नल। अरे हाँ फ्रैंकलिन बोलो, तुमने फोन क्यों किया? हाँ कर्नल मैं ये बता रहा था जो हमने बेस कैंप बनवाया था उसके अंदर ज़ॉम्बीज घुस गए थे। अरे हाँ मुझे पता है, वो सैनिकों का फोन आया था और जो लोग वहाँ से भागे थे वो सारे बेस कैंप पे सेफ है मेरे पास। अच्छा मैं ये कह रहा था मुझे अपने घर में बेस कैंप बनवाना है तो मुझे फटाक से कुछ सामान भेज देना। अरे हाँ ठीक है। गाइस यार मैंने कर्नल से बोलकर मंगवा लिया है कुछ सामान जिससे हम बनवा सकते हैं अपने घर में बेस कैंप। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं सीधे घर की तरफ। अरे यार लेकिन बाहर तो ज़ॉम्बी से क्या करी? अरे यार मेरे हाथ में तेरे को गन नहीं दिख रही क्या? अरे यार वही तो, गाइस यार फटाफट मारो फ्रैंकलिन उन सबको और गेट खोलो जल्दी से। एक मिनट गाइस, मेरे हाथ में जो गन है इनका तो मैं अभी बताता हूँ बैंड। एक गन, अरे मारो मारो सबको मारो। गाइस यार देख रहे हो कितने सारे ज़ॉम्बीज हैं। अबे तू आगे मत जाओ ना, तुझे काट देंगे। गाइस पहले गेट पड़ेगा। ऑल राइट गाइस, मैंने गेट तो खोल दिया है और गेट खोलते के साथ पहले मैंने एक को मार दिया। अबे बाकी सब कहां गए? सब के सब डर के भाग गए क्या? अरे गाइस जल्दी बैठ जाओ, यहां पे कोई है नहीं, जल्दी बैठो लेस्टर, जल्दी बैठ जाओ यार सबके साथ। अरे यार एक काम करता हूं मैं ऊपर बैठ जाता हूं, ठीक है यार? जल्दी बैठ जाओ माइकल भैया, जहां आपको जगह मिल रही है वहीं बैठ जाओ। चॉप जल्दी चढ़ जाओ ऊपर। अरे हां सो गाइस अभी हम लोग बैठ गए हैं और यहां से निकलते हैं, जल्दी चलाओ यार फ्रैंकलिन। ओहो गाइस मैं यही सोचूं कि सारे के सारे ज़ॉम्बी गए कहां, ये तो रास्ते में घूम रहे। अबे ज़ॉम्बीज के बच्चों कहाँ पे गए तुम? इधर आ जाओ। अरे फेंगी पे उधर कहाँ जा रहे हो? अरे यार घर जा रहे हैं, घर। अरे यार घर का रास्ता इधर से शॉर्ट नहीं पड़ेगा, एक काम करो गाड़ी को घुमाओ, जिधर से आए थे उधर ही से शॉर्ट पड़ेगा। अच्छा गाइस यार वापस गाड़ी घुमानी पड़ेगी। चलो इसी बात में मैंने दो चार ज़ॉम्बी इधर निपटा तो दिए। गाइस एक काम करता हूं फटाफट फुल स्पीड में यहां से निकलता हूं और सभी ज़ॉम्बीज को मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। वैसे गाइस ये वाली गाड़ी, अरे यार गाड़ी में आग लग गई। गाइस यार गाड़ी में आग लगी लेकिन इतना टेंशन की बात लेने की कोई जरूरत नहीं है सिंचन, इस गाड़ी को कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल खतरनाक गाड़ी है, ये आग से भी कुछ नहीं होगा, इसको पानी से भी कुछ नहीं होगा। गाइस इसी बात में वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर पर। लेकिन गाइस यार यहां पे तो एक भी ज़ॉम्बी नहीं हुआ है और यार देखो वो तो हमारे घर में सामान आ चुका है फेंग भी है बल्ले बल्ले। गाइस यार सिंचन को यहीं से हमारे घर का सारा सामान दिख गया है, एक बार हम जाके देखते हैं कि हमारे घर में सामान आया है कि नहीं। अरे नहीं नहीं गाइस यहाँ पे तो आर्मी ऑफिसर्स और सामान सब कुछ आ गया है गाइस। और यहाँ देख सकते हो सारे के सारे आर्मी ऑफिसर यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। अरे कौन है यहाँ पे इंचार्ज? अरे सर मैं हूँ, बोलिए क्या हो गया? मैं ये कह रहा था सारा का सारा सामान पहुँचा दिया यहाँ पर, जल्दी आओ नीचे। अरे सर आप बताइए ना, सारा सामान यहाँ पे आ चुका है, आप एक बार देख लीजिए। अच्छा गाइस यहाँ पे जाली आ चुका है और ये पता नहीं बम है कि क्या है, और खाने पीने का सामान भी आ चुका होगा मेरे हिसाब से। अरे सर नहीं नहीं खाने पीने का सामान नहीं है, खाने पीने का सामान का इंतजाम आप कर लीजिए। अरे क्यों अंकल ऐसे क्या हो गया? अरे क्या बताऊं हम लोगों के पास खाने की कमी हो गई थी इसलिए हम लोग नहीं ला पाए यहाँ पे। गाइस यार यहाँ पे सब कुछ आ चुका है, कंप्यूटर लगा भी आ चुका है और घर में कैमरा भी लगवा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे खाने पीने का सामान नहीं आया है और गाइस काफी चीज नहीं आई है। एक काम करते हैं जब तक यहाँ पे ये लोग हमारा घर को सेफ्टी की तरह बनाते होंगे उतने में हम लोग खाना भी लेके आ जाएंगे। तो चलो गाइस यहाँ से निकलते हैं और खाना लेके आते हैं। वैसे गाइस यहाँ पे तो अभी कुछ ज्यादा ही काम करने को बाकी रह गया है। अबे लेस्टर भैया चलो यार फटाक से चलते हैं। उड़ी बाबा हाँ हाँ जल्दी चलते हैं हम लोग। अरे गाइस यार देख रहे हो हमारे घर में जोरों शोरों से काम हो रहा है। अरे फेंकी भैया जल्दी से हमारे घर बन जाइए। एक मिनट गाइस ऊपर भी देख के आ जाता हूँ, ऊपर क्या काम हो रहा है। गाइस लगता है कर्नल ने इनको ऑर्डर पहले से दे रखा है और मेरा घर कैसे बनाना है इन लोगों ने पहले डिसाइड कर रखा है। यहाँ पे टावर वगैरह भी लगा रहे हैं और क्या क्या लगा रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं पता। अरे यार आप लोग यहाँ पे खेल क्यों रहे हो? अरे सर क्या बताएं, हम लोग चाहते हैं थोड़ा सा एंजॉय कर ले। गाइस यार ये नाच पी पता नहीं क्या कर रहे हैं और इतना बड़ा क्रेन मेरे घर के ऊपर रख रखा है, पता नहीं मेरे घर में क्या क्या हो रहा है। जो भी है ये सारा का सारा कांड कर्नल करवा रहे हैं। तो एक काम करता हूँ जब तक ये लोग मेरा घर बनाएंगे, एक काम करता हूँ उससे पहले
पहले अपने घर में खाने पीने का सामान भी ले आता हूँ। ऑफिसर मैं अभी आता हूँ, जब तक तुम मेरा घर बना के रखना, ठीक है ना? यस सर। सर अभी मुझे फोन आया कि यहाँ पे भी ज़ॉम्बीज पहुँचने वाले हैं, आप लोग जल्दी से लेके आइए सारा खाने पीने का सामान। ठीक है गाइस, यार यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि यहाँ पे ज़ॉम्बीज आने वाले हैं, लेकिन यार ज़ॉम्बीज यहाँ पे आ जाएंगे तो इतने सारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, ये लोग तो उनको तुरंत धूल चटा देंगे। एक काम करता हूँ गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से निकलता हूँ और फटाक से खाना लेके आता हूँ। तो जल्दी जल्दी बैठ जाओ, सबके सब मेरे साथ चल दो यार, मुझे अकेला डर लगेगा जाने में। अरे ठीक है ठीक है। सो गाइस हम लोग यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस यार हमारा घर अब तो जल्दी से कैंप बन जाएगा। अरे जल्दी जल्दी चलो, खाने पीने का बहुत सारा सामान लेके आना है यार सबके लिए। अरे यार मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो आगे बैठ चुका हूँ, तुम लोग पीछे बैठ जाओ। सिंचन तू एक काम कर, ऊपर बैठ जा, पीछे जगह नहीं बची है तो। अरे हाँ ठीक है। गाइस यार अब जो ऊपर वाली बंदूक है ना वो मेरे हाथ में आएगी। अरे यार इसका मतलब तू ज़ॉम्बीज को मारेगा क्या? ऑल राइट गाइस, यहाँ से अब हम लोग निकलते हैं। सो गाइस यार अभी, अरे फेंकी भी अभी तो सुपरमार्केट बंद हो गया यार। वैसे गाइस सिंचन ने सही बोला, अभी ज़ॉम्बी अटैक के बाद। बूढ़ी बाबा तुम टेंशन मत लो यार। लेस्टर भैया टेंशन क्यों ना लूं, खाने पीने की सामान तो हमारे पे बिल्कुल भी नहीं है। अरे यार मैंने बोला ना टेंशन मत लो, मेरा एक दोस्त है वो खाने पीने का डिलीवरी करता है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है उसकी। एक काम करो उसकी कंपनी चलो। कंपनी जाके हम लोग काम करने वाले हैं क्या लेस्टर भैया? अरे नहीं नहीं, वहाँ पे हम लोग अपना ऑर्डर दे देंगे और ऑर्डर देने के बाद वो हमारे घर में पहुँचा देंगे सारा सामान। चलो ठीक है, एक काम करता हूँ फुल स्पीड में भगाता हूँ और देखता हूँ कि कितना ऑर्डर ले सकते हैं वो लोग। गाइस यार मैं काफी देर से चला रहा हूँ और अभी तक मुझे वो दुकान नहीं दिखी। लेस्टर भैया कहाँ पे है ये तो बता दो। अरे ये तो रही सामने। अरे ये तो रही, ये वाला कह रहे हो क्या गाइस? यहाँ पे तो लॉक लगा हुआ है। और गाइस इसका एंट्री कहाँ पे? अरे ये रही ये रही। अरे फेंगी भी जल्दी उतरो यार। उतर तो जाऊंगा लेकिन इसकी एंट्री है कहाँ पे? यहाँ पे तो जाल लगा हुआ है भाई साहब। अरे सर अगर आप ज़ॉम्बी नहीं है तो फ्रंट गेट से जल्दी आइए अंदर। फ्रंट गेट से आना है गाइस, यहाँ से निकलना पड़ेगा। और फ्रंट गेट कहाँ पे है भाई? यार इसका समझ नहीं आ रहा है मेरे को। उड़ी बाबा आगे से लेफ्ट ले लेना, वही है इसका फ्रंट गेट। अच्छा सिंचन यार तू भाग के आ जा इतने में, यार मुझे डर लग रहा है, जल्दी बैठ। अरे पागल हो के भाग के आने को बोल रहे हैं? गाइस देख रहे हो फेंगी बेकू, अरे मुझे मरवाना चाहती हो क्या ज़ॉम्बी के हाथों? अरे नहीं नहीं, जब तक मैं हूँ तुम लोग को कुछ भी नहीं होने। अरे ये रहा फ्रंट गेट, जल्दी 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 चलो यार अंदर। ओहो गाइस ये देखो, ये रहा फ्रंट गेट और यहाँ पे भी सिक्योरिटी लगा रखी होगी। गाइस मेरी गाड़ी को देखकर सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं। एक काम करो फ्रैंकलिन सबको मार दो। उड़ी बाबा हाँ सबको मारो यार ज़ॉम्बीज को। गाइस यार सारे के सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं यहाँ पर। इसी बात में वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। गाइस यार यहाँ पे ना काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा ना फटाफट अंदर चलते हैं और सारा का सारा खाना लेके अपने घर चलते हैं। अरे गेट खोल दो कोई। ओहो अभी खोलता हूँ। अरे बटन दब जा भाई साहब बटन। अरे बटन नहीं दब रहा। अबे भाई मजाक मत कर, बटन जल्दी खोल। ओहो खुल गया। गाइस यार अभी तो वो लोग बटन नहीं दबा रहे थे, अभी बटन खुल गया तो फटाफट सबके सब अंदर आ जाओ यार। अरे हाँ हाँ जल्दी से अंदर आ जाओ माइकल भैया। अरे हाँ जल्दी चलो उड़ी बाबा, जल्दी चलो बाबा। अरे यार अभी मैं गेट बंद कर रहा हूँ, गेट दूर हो जाओ ना। अच्छा ठीक है गाइस यार अभी गेट बंद हो चुका है, अभी ये ज़ॉम्बी रास्ते में आ ही चुका था अंदर और गेट तुरंत बंद हो चुका है। यार कहाँ पे हो फटाक से बता दो। और इधर आ जाओ, इधर आगे की तरफ, आगे की तरफ। तो गाइस यार हम लोग अंदर चलते हैं फटाक से। अरे जल्दी जल्दी चलो यार। अरे अंकल हम लोगों को जल्दी बहुत सारा खाना पैक कर दो हमारे लिए। अरे अरे ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, खाना तो बिल्कुल नहीं है। भाई साहब मजाक मत कर, हम लोग इतना रिक्स लेके खाना लेने आए हैं, पहले इन ज़ॉम्बी को खत्म कर दूं। गाइस ये ज़ॉम्बी ना यहाँ पे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, पहले इनको मार मुर के अब बात करता हूँ। उड़ी बाबा तुम तो मुझे जानते हो ना, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। एक काम करो ना, मेरे को बहुत सारा खाना दे दो, हम लोगों को बेस कैंप के लिए खाना ले जाना है। अरे लेस्टर भैया सही बता रहा हूँ, मेरे पे खाना बिल्कुल नहीं है। एक मिनट गाइस ये ऐसे नहीं मानने वाला, अब बता खाना देगा कि नहीं? अरे यार देना ही पड़ेगा खाना, तो तुमने मेरे ऊपर गन तान दिया इसीलिए। एक काम करो आगे जाओ, आगे से चौथा कमरा है ना उसी में खाना है, ठीक है ना? अरे सो गाइस अंकल तुम मान गए हैं और यार हमें फटाफट चलना है यार। सिंचन तू इतना चिंता मत कर यार, अभी मैं हूं ना तुझे कुछ नहीं होगा और हम घर जाएंगे। अरे कौन सा कमरा है जहाँ पे खाना रखा? अरे यार आगे आगे और आगे, ये वाला कमरा नहीं इसके आगे वाला। भाई साहब कहाँ पे छुपा के रखा है इन लोगों ने खाना? हाँ हाँ यही वाला यही वाला। सो गाइस चलो देखते हैं अंदर कितना सारा खाना है। अरे फेंगी पे बहुत सारा खाना, देखो यार भूख लग रही है मुझको तो। ओहो गाइस इतना सारा खाना। चलो एक काम करते हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं है लेकिन मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम्हें हमारे इन सारे खाने के बदले तुम्हें मैं अपने बेस कैंप में रहने का मौका देता हूँ, जहाँ पे तुम बिल्कुल सेफ रहोगे और ज़ॉम्बी से बचे रहोगे। अरे अरे थैंक यू सर, आप एक काम करो ये सारा का सारा खाना मैं खुद पहुँचाऊंगा आपके बेस कैंप में, बस मुझे एक लोकेशन भेज दो।
मैं वहां जाकर रह भी लूंगा और मैं सारा का सारा खाना पहुंचा भी दूंगा। ऑल राइट गाइस, यहां पे हमारी डील हो चुकी है। एक काम करता हूं, अपना लोकेशन सेंड करता हूं, ये फटाक से सारा का सारा खाना लेके हमारे बेस कैंप में पहुंच जाएंगे। और अंकल अपने दोस्त को भी ले आना ठीक है, ताकि वो भी सेफ रहे। सो गाइस अभी हम लोग यहां से निकलते हैं। थैंक यू बच्चे, थैंक यू, तुमने इतनी मेहरबानी दिखाई। ऑल राइट गाइस, अभी हम लोग यहां से निकल चुके हैं। और एक मिनट गाइस, मुझे वहां पे एक ट्रक की आवाज सुनाई दे रही है। अरे यार, उस ट्रक में खाना लोड कर रहे होंगे। सो गाइस, ये फंगी तो उल्लू है यार, बिल्कुल समझते नहीं है। जल्दी जल्दी चलो यार, ज़ॉम्बीज आ जाएंगे, हमें काट लेंगे। वैसे गाइस, सिंजन सही बोल रहा है, उस वाले ट्रक में तो खाना लोड कर रहे हैं। यार मैं उधर कूद गया तो ज़ॉम्बीज ने मेरे को देख लिया। एक काम करते हैं, फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए घर चलते हैं। और बाबा मैं भी बैठता हूँ दो मिनट। अरे हाँ, मुझे भी बैठने दो यार। अरे जल्दी यार, सबके सब यहाँ बैठ चुके हैं और ज़ॉम्बीज देखो किस तरह पूरे शहर में फैल चुके हैं। गाइस यार, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब मैं किसी भी ज़ॉम्बीज को नहीं छोड़ूंगा, मैं सब ज़ॉम्बी को मारूंगा, वो भी ऊपर वाले बंदूक से ही। गाइस यार, ये देखो सिंचन ऊपर लटक रखा है और उसके हाथ में गन है। अरे सिंचन, बस ज़ॉम्बीज को मारियो, किसी इंसान को मत मार दियो, ठीक है ना? अरे यार, सारे इंसान तो घर के अंदर बंद है। अब पागल हो क्या? जो बाहर घूम रहे वो सारे ज़ॉम्बीज ही तो है। एक मिनट गाइस, यहाँ पे अभी तक मुझे एक ज़ॉम्बी नहीं दिख रहा, क्या बात? अबे पीछे एक ज़ॉम्बी है, उसको फटाक से मार दियो सिंचन एक बार। अरे रुको रुको, अभी बताता हूँ। ये लो ज़ॉम्बी, तू बहुत ज्यादा हीरो बनेगा क्या? गाइस यार, यहाँ पे एक ज़ॉम्बी को सिंचन ने मार दिया, दूसरे ज़ॉम्बी को भी मार दिया। सिंचन आराम से यार। अरे सिंचन आराम से, ऐसे बुलेट वेस्ट मत करियो। अरे अच्छा, अब मुझे पता है, टेंशन मत ले तू इन सब चीजों का। गाइस यार, सिंचन देखो बिल्कुल गुस्से में आ चुका है और सबके ऊपर ये गोली चला रहा है। ये ले ज़ॉम्बी, अभी बताता हूँ तुझको। गाइस यार, पूरे जहर बर्बाद हो गया, फेंकी भी हमें एंटीडोट का भी कुछ करना पड़ेगा यार। गाइस यार, सिंचन ने ये बात तो बिल्कुल सही बोला है, हम लोग को एंटीडोट का भी काम करना पड़ेगा। और यार, हमारे घर के पास ये क्या हो रहा है? ज़ॉम्बीज आ गए। गाइस, हमारे घर के पास भी ज़ॉम्बीज आ गए। अभी तक हमारे घर के पास एक भी ज़ॉम्बी नहीं देखा था मैंने, और अभी तक इतने सारे ज़ॉम्बीज। यार हमारा बेस कैंप बना भी होगा कि नहीं बना होगा? गाइस चलो फटाफट देखते हैं। और गाइस, मुझे लगता है बेस कैंप बन चुका है। अरे कौन है? आप लोग ज़ॉम्बीज हैं क्या? नहीं अंकल, मैं हूँ ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर का दोस्त, और हमारे साथ ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर। आप तो ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर को जानते ही होंगे। यस सर, हम लोग आपको जानते हैं। तो फटाक से आप लोग गेट खोल दो, और मैं हूँ ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर, जो हूँ पूरे लॉस सैंटोस का ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर। फटाफट से गेट खोल दो यार, यहाँ ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, दिख नहीं रहा क्या तुम लोग को? यस सर, दो मिनट रुक जाइए। अरे गेट कौन सा? हाँ ये रहा सर, अभी ओपन हो गया, आप लोग फटाक से अंदर आ जाइए। ऑल राइट गाइस, यहाँ देखो ट्रेवर भैया कितने मुस्कुरा रहे। अरे यार, मैं अब बिल्कुल सेफ हूँ, अब मुझे कोई ज़ॉम्बी टच नहीं कर सकता यार। हाँ गाइस यार, यहाँ देखो लेस्टर बेस आते के साथ अपने लैपटॉप में घुस चुके हैं। उड़ी बाबा, देखता हूँ मैं उस साइंटिस्ट से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? गाइस यार, हम लोग को ना पक्का उस साइंटिस्ट से मिलकर सारा एंटीडोट बनवाना पड़ेगा। गेट तो खोलो यार, मैं अंदर फंस गया। ओहो गाइस, ये सिंचन फंस गया अंदर। अबे सिंचन पागल है क्या? उनके पास मत खड़ा रहे, वो ना तेरे को मार सकते हैं वो लोग। अरे ऐसे क्यों मारेंगे, मैं ज़ॉम्बी थोड़ी ना हूँ। क्यों अंकल, आप मुझे मारोगे क्या? नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम बच्चे हो, कितने प्यारे बच्चे हो। अरे यार, वो तो सबको पता है। गाइस आप लोग भी कमेंट में लिख दो, सिंचन था प्यारा बच्चा। गाइस यार फटाफट हम लोग। गाइस सामने देख, खाना भी आ चुका है इतना सारा यार, ये देख ऊपर। अरे हाँ यार, खाना आ गया। गाइस बल्ले बल्ले, सर आपका नाम? मेरा नाम? अबे तुम पागल हो क्या, मेरा ही घर है ये। ओह गाइस यार, ये देखो क्वेश्चन भी क्या पूछा उनने। छोड़ो, अरे देखो यहाँ तो ये लोग बॉडी बना रहे हैं। और गाइस यार, यहाँ पे अगल बगल देख सकते हो, बैग है, बहुत सारी चीजें हैं, पानी की टंकी है, और यहाँ पे बहुत सारे वेपन्स भी हैं। फेंग भी है भाई साहब, इतने सारे गन्स वेपन्स यार, ये सब कर्नल ने भेजा होगा। और यार बिल्कुल सही बोल रहे हो। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो हमारा घर अब बहुत ज्यादा सेफ है। और यार स्विमिंग पूल में क्या है ये? गाइस स्विमिंग पूल में पता नहीं इन लोगों ने क्या कर दिया। अरे नहीं, ये वॉच टावर बना रखा होगा, जिसे पूरे लॉस सैंटोस में दूर दूर तक देख सकते होंगे। अरे यार अभी ऊपर मत चढ़ो, और घर के अंदर देखो यार, घर के अंदर क्या हाल है। अरे गाइस यार देखो, यहाँ पे सैनिटाइजर की दो दो बड़े बड़े डब्बे, इससे हम ज़ॉम्बी के हाथ धुलाएंगे और उसको खाना खिलाएंगे। हाँ खाना खिलाएंगे, और तू अपने आप को भी धो लिया, वो लोग तेरे को भी तो खाएंगे ना। गाइस यार वो मुझे नहीं खाएंगे, वो मुझे पहचानते हैं, मैं उनका दोस्त हूँ यार। एक काम करना, पूरे लॉस सैंटोस का एक बार चक्कर मार के देखते हैं वो लोग काटते हैं कि नहीं तेरे को। अरे यार अकेले नहीं जाऊंगे, समझी क्या? अरे सर इधर क्या करने आ रहे हो? गाइस यार मैं पूरा घर देख रहा हूँ, और इधर भी नहीं आ सकता, यहाँ पे इतना सारा तेल ही तेल रखा हुआ है। एक काम करता हूँ, ऊपर चलता हूँ, मेरे टीवी रूम में क्या कर रखा है इन लोगों ने यार, यहाँ पे देखना पड़ेगा। अरे यहाँ पे पुलिस वाला भी है, चलो ठीक है।
और यहाँ जिम्मी भी है भाई साहब। अरे यार जिम्मी भैया कैसे हो? अरे मैं तो बढ़िया हूँ यार, तू बता। अरे जिम्मी भैया मेरे खिलौने दो। अरे यार तू पागल है क्या, अब मैं तेरे को खिलौने दूंगा इस टाइम। गाय दिन को अभी खिलौने चाहिए, काम करता इन दोनों को बाहर निकालता हूँ और ये लोग खेलते रहेंगे। अरे नहीं नहीं जल्दी से छत पे चलो यार, छत पे देखते हैं क्या है। गाइस यार छत में आ गए हम लोग और भाई साहब कर्नल ने क्या सिक्योरिटी दे रखी है, यहाँ पे दो बंदे यहाँ पे अलग खड़े करके और कितने सारे वॉच टावर है, यहाँ पे भी एक वॉच टावर है। अरे यार ये वॉच टावर नहीं है, ये पानी की टंकी है, देखो पीछे। गाइस ये पानी की टंकी नहीं है, वॉच टावर है, पागल वागल है सिंचन लगता है मेरे को तो। ये देखो सीढ़ी वगैरह लगा के और ऊपर जाके एक ये यहाँ पे तो एक ऑफिसर भी खड़ा। अरे सर पीछे क्या करने आ रहे हो अचानक से? गाइस यहाँ पे हम लोग खड़े नहीं हो सकते, एक काम करता हूँ नीचे ही चलता हूँ यार। अरे गाइस ये जल्दी नीचे आओ, गाइस देख रहे हो यार अंकल ने तो वो भी भेजा है हेलीकॉप्टर। गाइस यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर के लिए भी बना रखा है और एक पायलट भी है जिससे हम किसी भी इमरजेंसी में कहीं भी जा सकते हैं, और यहाँ पे एक टावर भी है जिससे हम आराम से किसी से भी बात कर सकते हैं, और दो दो पानी की टंकी। यार यार क्या ही घर बना दिया मेरा, इतना बढ़िया बेस कैंप और इतने सारे ऑफिसर वो भी मेरे लिए। हाँ हाँ गाइस आप लोगों को मैं बताना भूल गया, ये सारा का सारा वायरस वो साइंटिस्ट ने बनाया था जिससे मिलकर हमें उसकी दवाई भी बनानी पड़ेगी। गाइस इसी बात में वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते हैं हम लोग अगले पार्ट में बना पाते हैं कि नहीं वो दवाई। तो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।